नमस्कार। जब हम अपने 20s या 30s में होते हैं तो हम अपनी आँखों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अभी तो हमारी आँख में कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन यही वो उम्र है जब हम कुछ खास बातों का ध्यान रखकर एक लंबे समय तक अच्छा विजन इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए, आज मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कुछ ऐसी ही बातों के बारे में आपसे बात करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानिए, मतलब नो योर फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा है, किसी को पर्दे की कोई बीमारी है, जैसे कि कोई मैकुलर डिजनरेशन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह की बीमारियां पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आएँ। तो अगर आपको इन सब के बारे में अपने आँख के डॉक्टर को बताएंगे तो रेगुलर चेकअप से आप इन समस्याओं से लंबे समय तक अपनी आँख को बचा के रख सकते हैं। दूसरी बात ये है, जब बच्चों की बढ़ती उम्र होगी तो उस समय बच्चों की आँखों का खास ध्यान रखें। जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जैसे उनकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उनकी आँखों की भी ग्रोथ होती है, तो ये ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो अगर कभी भी बच्चे की आँख में आपको तिरछापन लगे या फिर अगर वो चीज़ों को बहुत पास से देखे, एक तो ये हो सकता है कि कोई गंभीर बीमारी हो, उसको डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों को हमेशा कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, कोई केमिकल्स जो घर में रहते हैं या फिर आँख से दूर रखें, क्योंकि ये अगर इनकी जो चोट होती है वो हमारी आँखों को परमानेंटली नुकसान पहुंचा सकती है। और बच्चों की स्क्रीन टाइम को और जो बच्चों का जो आउटडोर टाइम है उसको थोड़ा बैलेंस करके रखें। तीसरी बात क्या है, ईट वेल एंड एक्सरसाइज। अच्छा खाएँ और एक्सरसाइज करें। हमारी आँखों के लिए जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जो प्लांट बेस्ड फूड है, वो बहुत अच्छा माना गया है, और जो सैचुरेटेड या जो एनिमल बेस्ड फैट है वो अच्छा नहीं होता है। तो अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ, गाजर, पपीता, फल, ये सब कुछ इंक्लूड करें, बादाम इंक्लूड करें, और कम से कम हर रोज़ आधा घंटा मॉडरेट एक्सरसाइज करें। चौथी बात, स्टॉप स्मोकिंग। टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, हर फॉर्म में जो तम्बाकू होता है वो आँखों की कुछ बीमारियाँ जैसे कि हमारा कैटरेक्ट हो गया, मैकुलर डिजनरेशन हो गया, इन सबको बढ़ाता है। जो सिगरेट का धुआं होता है, चाहे वो प्राइमरी फॉर्म में हो चाहे वो सेकेंडरी मतलब कोई और सिगरेट पी रहा है, आप उसके बगल में हैं, तो वो आँखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करता है। तो तम्बाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में ना करें। अगली बात क्या है, अपना जो बाकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ हो गई, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, उस सब को कंट्रोल रखिए। फॉरेन कंट्रीज़ में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, मतलब शुगर की वजह से जो पर्दा ख़राब होता है, वो लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, और ये जो ब्लाइंडनेस है ये इररिवर्सिबल होता है। अगली बात क्या, हमेशा जब भी आप बाहर निकलते हैं सनग्लासेस ज़रूर पहने, और ऐसे सनग्लासेस पहने जो कि 90 to 100% ऑफ UVA और UVB, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों को ब्लॉक करें, क्योंकि ये हमारी आँख में कैटरेक्ट कराता है और कैंसर कराता है। कई लोगों का ये कहना होता है कि अगर बाहर बादल हैं तो सनग्लासेस की क्या ज़रूरत है। नहीं, अगर बाहर बादल भी हैं तो भी सूरज की ये हार्मफुल किरणें हमारी धरती तक आती हैं और हमारी आँखों में पड़ती हैं। अगली बात क्या है, मिनिमाइज आई स्ट्रेन एट वर्क। आजकल बहुत कॉमनली हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, घंटों काम करते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को एक हाथ की दूरी पर रखें, पहली बात। और दूसरी बात ये, फॉलो करें 20-20-20 रूल। इसमें क्या है, 20 मिनट काम करने के बाद आप किसी भी चीज़ को जो कि आपसे 20 फीट दूर है उसको 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आपकी आँखों को एडिक्वेट ब्रेक मिलता है और उनकी जो टियर फिल्म होती है, जो आँखों में सूखापन आता है, वो भी बहुत कम हो जाता है। अगले वीडियो में, अभी मैंने ऐसे 7 पॉइंट की बात की है, अगले वीडियो में मैं और ऐसे 7 पॉइंट की बात करूँगी जिससे आप लंबे समय तक एक अच्छा विजन इंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर आइज। थैंक यू।